राम राम, नमस्कार, हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अगर वीडियो में। जी हाँ, आ चुके हैं आपका क्यू एंड ए लेकर। यस, आज हम क्यू एंड ए करने वाले हैं गाइस, जो कि आप सभी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके थे 1K पर। मुझे जो आंसर करने थे लेकिन मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैंने एक और वो रखा था कि शर्त रखी थी कि जैसे मैं फेस रिवील करूंगा तब मैं आपके लिए क्यू एंड ए वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन हम फिर से आ चुके हैं, हमने फेस रिवील भी कर दिया और आज हम आपके लिए क्यू एंड ए वीडियो लेकर आ चुके हैं और आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर करने की कोशिश की जाएगी। जितना हो सके हम करेंगे ऑनेस्टली। तो चलो और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी सभी क्वेश्चन है, जिस जिसने जो भी क्वेश्चन किया है, जो भी कमेंट में पूछा है, वो यहाँ पे पूछा जाए, मतलब यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया जाएगा साथ में, ताकि ये पता रहे कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल गेमर 7720, ये मुझे यहाँ से लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों, रैंक टॉप 3 सब्सक्राइबर हुम यू लाइक लव मोस्ट, आई लव मोस्ट सब्सक्राइबर इक्वली वाली बात नहीं चलेगा, रैंक करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा यार, ये फेयर नहीं होगा सही बताऊं तो, क्योंकि सभी मेरे लिए अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं मेरे लिए। तो जो जो मेरे कहने से चलता है, मतलब जो जो मेरी जो रोल है मेरे चैनल का, वो सभी को पता है कि मैं क्या चीज टॉलरेट करता हूँ, क्या चीज नहीं टॉलरेट करता हूँ। अगर वो उस दायरे में आया तो मेरे लिए सब बढ़िया है। और पर्टिकुलर रखा जाए, जो सबसे पहले मुझे बढ़िया लगा था बंदा और जिसको मैंने सबसे पहले मोड भी दिया था, वो था शिवम। तो शिवम शिवम को मैं रखूंगा थोड़ा प्रायोरिटी पे, क्योंकि हल्का सा 1% ज्यादा तुम सबसे, क्योंकि वो बंदा था जिसको मैंने ये समझा था कि वो बढ़िया है, समझा था क्या है भी अभी भी। तो शिवम फिलहाल के लिए, बाकी सब इक्वल है मेरे लिए, कोई वो बात नहीं। ओके, आर स्टूडियो 3746, गर्लफ्रेंड का नंबर दो, लिख भाई। 9696 उसको कट कर दे, 100 और मिला, ठीक है ना, और करना है कॉल, भूल मत जाइयो, कॉल करना है, ठीक है ना, 100 कॉल कर। ओके, गौतम का मैसेज है भाई, भैया मैं तो बच्चा हूँ फिर भी पूछूंगा आपकी कितनी है और नेम क्या है, मतलब मेरी कितनी है, क्या मेरी कितनी है भाई, है भाई। गुड सिंपल कूल भाई, व्हाई यू आर मेड चैनल नेम कूल भाई प्लेस। तो इसके पीछे भी बहुत सारी लंबी कहानी को शॉर्ट कर देते हैं कि मैंने बहुत सारे चैनल का नाम चेंज किया है, लास्ट में जाके इस चैनल का नेम ये रखा था मैंने, बहुत से नेम मैंने रखे हैं पहले, बहुत से चैनल का मतलब अलग अलग नेम रखे थे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मेरा चैनल का नेम सर्च में आना चाहिए। जो मैं चैनल का नेम रखता था, कुछ दिन वेट करता था वो सर्च में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी और से उठा के अपना नेम रखोगे, जैसे मैंने एक रख दिया था स्मार्टी गेमिंग, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तब तक, सच बताऊं तो मुझे ये नहीं पता था स्मार्टी पाए, ये स्मार्टी पाए के नाम से भी कोई यूट्यूबर है और वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो मेरा कहाँ से उसमें लिस्ट में चैनल सर्च में कहाँ से आएगा। तो मैंने उसको चेंज किया और फिर मैं करते करते यहाँ पे पहुंचा कि मैं थोड़ा यूनिक रखता हूँ जिससे कि मेरा सर्च पे आए। अगर आप मेरा कूल बॉय प्लेज भी सर्च करोगे ना, कूल बॉय प्लेज आएगा, कूल बॉय क्लिप्स चैनल भी आएगा और कूल बॉय प्लेज 2.0, तीनों चैनल मेरे सर्च में आएंगे, तीनों के तीनों। इसलिए मैं ये चाहता था कि मेरा चैनल सर्च में आए और कोई और किसी भी, या नीचे दूसरे तीसरे नंबर पे ऐसे मत आए, टॉप में मेरा चैनल सर्च में आए। इसलिए गौतम का द्वारा फिर से क्वेश्चन आया, भाई भैया आप माइनक्राफ्ट पे बात नहीं करते हो, मतलब चैट पर, भाई चैट में कौन बात करता है यार, इसीलिए तो मैंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया कि आप वॉइस चैट में आओ, कम से कम सुन नहीं रहे हो, मतलब कम से कम आप बोल नहीं रहे हो तो सुन तो लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कम से कम मैं चैट रीड कर लूँ, मेरे को आलस आता है क्योंकि मैं उसमें चैटिंग नहीं कर सकता भाई माइनक्राफ्ट में। माइनक्राफ्ट में आप खेलने के लिए आए हो, चैटिंग करने के लिए थोड़ी आए हो, चैटिंग के लिए वॉइस चैट डिस्कॉर्ड बनाया हुआ, उसमें ज्वाइन करो भाई, जिसको आपको बात करते हुए खेलना है, जो भी करना है करो, आप वॉइस चैट ज्वाइन करो भाई, स्पेशल उसी के लिए है। वो तो पहले का दिन था, उस टाइम पे मैं इतना, मतलब मुझे इतना सब पता नहीं था,
वॉइस चैट के बारे में, फिर भी टर्नी पे इतना पता लगा था, जैसे टर्नी पे जुड़ते रहे, मोबाइल से करता था स्ट्रीम, सब कुछ मोबाइल था, अब तो मेरे पास लैपटॉप है। तो धीरे धीरे सब कुछ चीजें हो जाती हैं। और अमंगस में ये था कि आपको चैट करनी पड़ती है, उस टाइम रैंडम बंदे थे, इतने हमारे पास बंदे नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन अब बंदे हैं हमारे पास, वॉइस चैट में आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रियांश का क्वेश्चन आया भाई, योर पर्सनल इनकम कितना? भाई मेरा पर्सनल इनकम अभी फिलहाल कुछ नहीं है, जो भी अभी जनरेट होने शुरू है, जैसे कि आप सभी को पता है, वो भी यूट्यूब से हुआ है। ओके, कौन कौन है फैमिली में? मैं, मेरा भाई और मदर। भाई का तो मैं पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया। क्या उन्हें पता है आपका यूट्यूब चैनल के बारे में, और क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल पता है भाई, सबको पता है मेरे YouTube चैनल के बारे में, और सपोर्ट तो अब करते हैं। पहले तो जैसे उनको मनाना पड़ता भाई सबको, इतना इजीली कोई कि क्या करता है, ये क्या कर रहा है, ये सब वगैरह करना पड़ता है भाई, ठीक है ना, मनाना पड़ता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 to 100 सब्सक्राइबर होने पर घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपका पर्सनल रिएक्शन? मेरा पर्सनल रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है, मैं तो फूला नहीं समा रहा था भाई, फूला नहीं समा रहा था मैं। और जो मेरे भाई का रिएक्शन था वो मैं बता ही दिया था ऑलरेडी मैंने लाइव स्ट्रीम पर, कि उसने ये चीज बोली थी कि पैसे दे के खरीदा गया। कहाँ तक पढ़े हो भाई? मैंने 12th किया साइंस साइड से, नॉन मेडिकल किया मैंने, और जो मैंने उसके बाद फिर टीचर का डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, और डिप्लोमा किया हुआ है मैंने, डिप्लोमा इन एजुकेशन, टीचर का डिप्लोमा होता है वो 1st से 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो आप उसमें, अगर आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। रामनोहित पुरोहित, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपने यूट्यूब ज्वाइन किया था तो आपको कैसा लगा था? लगा ये नहीं था कि मेहनत, ये था कि भाई मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल ट्राई किए थे, मतलब मुझे ये था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी बहुत सारी, क्योंकि एकदम ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम की मैंने वीडियो डाली थी। आपने स्कूल में किसी ऐसी कौन सी हरकतें करी थी, करी हैं जिससे आपको पनिशमेंट मिली? बहुत सारी हरकतें हुई हैं भाई, बहुत सारी हरकतें हैं, ऐसे तो क्या ही बताऊं मैं। ऐसा कौन सा एग्जाम था जिसमें आप फेल हो थे और आपको मार पड़ी? नहीं भाई, कभी भी मैं किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ हूँ। ये था कि मैं पढ़ाकू था, बढ़िया एंड अच्छा, ना ये कह सकते थे कि मैं पूरा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, ना कि आप ये कह सकते हो मैं बिल्कुल नालायक था, बट मेरा ये था कि मैं एवरेज था, एवरेज स्टूडेंट था। मेरे को ये था, मेरे टीचर को भी पता था कि अगर ये आज करके नहीं आया ना तो ये हमारे बिना कराए भी कर लेगा। उनको ये था कि हाँ ये कर सकता है, अपना खुद से भी कर सकता है, इतना भरोसा था उनको मेरे ऊपर, ठीक है ना। और ये भरोसा कमाना भी बहुत मुश्किल होता है, कि आप एक टीचर का इतना भरोसा जीत सकते हो कि अभी वो ना कराए तो फिर भी हम कर ले इतना। आर स्टूडियो, आपकी शादी हो गई? नहीं भाई, मैं अभी तक कुंवारा हूँ भाई। फेक 01, आपने हरामी स्कूल फ्रेंड ग्रुप के बारे में बताओ, वैसे होगा ही सबका होता है कोई हरकत जो तुमने उनके साथ मिलके करी हो। भाई एंड हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? ओके भाई, हरकतें तो बहुत सारी की हैं एक्चुअली। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था, छोटा भी था। हम 11th और 12th की बात बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि हमारे सेक्शन में हम 4-5 बंदे थे जो इकट्ठे रहते थे, और जो दूसरे सेक्शन में थे वो 4-5 उनको मिला के, मतलब हम 2 सेक्शन के 8-9 बंद का ग्रुप था हमारा जो इकट्ठे रहते थे, लेकिन थे 4-5 अलग सेक्शन में थे हम। तो ऐसे करके हमारा था कि बंक करना ही करना होता था, हम सलाह बना लेते थे कि आज बंक करना है। ये हरकतें हमारे घर वालों को भी नहीं पता था हमारी, बट एक चीज बताऊं, घर वालों को इतना भरोसा था कि कभी स्कूल में भी जाके ये नहीं देखा कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। 10th के बाद 11th और 12th मैंने सिटी से की थी, पहले मैं अपने जो विलेज में रहता था वहीं से मैंने 10th कंप्लीट की, उसके बाद मैंने 11th और 12th अपने सिटी से कंप्लीट की थी, और बस से आता था, जाता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और
घर वालों को ये तक नहीं पता था कि मेरा स्कूल कौन सा है, देख रहे हो। इतना वो था कि घर वाले फीस देते थे, मैंने खुद एडमिशन कराया, सब कुछ खुद ही कर रहा था मैं, खुद ही किया मैंने सब कुछ अपना। मतलब पैसे तो घर वाले ही देते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ना, बाकी उनको ये नहीं पता था कि मैं कौन से स्कूल में जाता हूँ। और बैक टू द टॉपिक की हरकतें, हमने बंक किया, हम बंक की बताता हूँ तुम्हें एक कहानी है। हम इकट्ठे हो गए सारे 8-9 जने और चलते हैं कि आज बंक करते हैं। हमारा ये था कि पहला लेक्चर लगाया, अटेंडेंस लगाई ताकि फाइन ना लगे, क्योंकि पहले लेक्चर ना लगाए और अटेंडेंस ना लगी हो तो फाइन लगता था यार। उस फाइन को, क्योंकि हम जो किराया लेके घर से जाते थे वो 2-3 रुपए डेली के, मतलब हमारे इकट्ठे होते जाते थे 5-10 रुपए बच जाते थे किराए किराए से। फिर उनको, और ये बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें 14-15 की, 2014-15 की बात बता रहा हूँ ये, तब बहुत मायने रखते थे 5 या 10 रुपए भी बचाना उसमें से, किराए में से, और थोड़ा इधर उधर से करके पार्टी करना दोस्तों के साथ, पैटीज भाई, सोडा वगैरह, ये सब बहुत मजा आता था। तुम्हें क्या ही बताएं भाई, अब तो 100 रुपए से काम ही नहीं चलता, 100 क्या 500 से काम नहीं चलता आजकल के बच्चों का तो। बट बैक टू द टॉपिक अगेन, मैं फिर भटक जाता हूँ कहानी, बस वो चीजें याद आ जाती है ना जब स्कूल टाइम की, तो क्या ही बताऊं। तो बात ये थी कि हमने बंक किया, हमारा एक पीटी होता था वो हमेशा डंडा लेके घूमता रहता था, क्योंकि सब उसको पता था कि बच्चे बंक करते हैं और भागते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ से भागते थे, हमारी थी कंटीन, कंटीन के पीछे था बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास हमारा स्कूल था, वहां पे कंटीन के ऊपर वो टीन होती है ना, जो टीन के रेलिंग और जो छत थी उसकी टीन वाली थी, और उस पे पाइप पे साइड पे जो रेलिंग साइड की थी वो पाइप पे उस पे लगी हुई थी लोहे की, तो उस पे से चढ़ के टीन के ऊपर, टीन से हम नीचे उधर कूदते थे बस स्टैंड की तरफ। और एक दिन पड़ गया, हमने देखा कि 10 कदम दूर हमारे पीटी घटना है, और हमने किया कि आज जाना भी, हम नीचे भी आ गए सर फर्स्ट लेक्चर लगा के, और सेकंड लेक्चर में मैम हमारे जो भी सर थे वो भी आ गए होंगे। अब हम वापस भी नहीं जा सकते कि बैग लेके तुम कहाँ गए और ये कहाँ गए हो। तो हमने क्या किया, 1-2-3 पे स्टार्ट करके भागे सारे, ग्राउंड से होते हुए जाते थे, ग्राउंड था पहले फिर कंटीन आती थी, मतलब कंटीन ग्राउंड के पास ही थी, गए भाई हम भाग के फुल स्पीड में जितना हमसे हो सकता था, पीटी हमारे पीछे पीछे चढ़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रेलिंग से एक दूसरे के ऊपर होते हुए चढ़ रहे हैं, और चढ़ गए, एक को लगा था, एक को डंडा लगा था, पीटी ने मारा था। और जब हम चढ़े, देखा टीन के ऊपर से दीवार देखी, क्योंकि हम तब तक नोटिस नहीं कर पाए, डेली आते थे जाते थे, मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ये था कि इतनी हाइट थी ना, हम दूसरी दीवार पे चढ़ गए, जाना दूसरी बस स्टैंड की दीवार की तरफ था, हम चढ़ गए दूसरी दीवार की तरफ जहाँ पे ज्यादा ही नीचे तक था, कि मान लो अब क्या बताऊं, मेरी भी डबल हाइट या ट्रिपल हाइट का नीचे तक था, दीवार का नीचे इतना कूदना था मैं, और पीछे पीटी, हमने ना ना दाएं देखा ना बाएं देखा, चल दिए नीचे, मारा जंप, बस जो हुआ है उसके बाद नहीं कुछ बताएंगे, बस यही है जो कुछ है। बस ऐसी ऐसी हरकतें की हमने स्कूल के टाइम में, बहुतों को पीटा भी बहुत है भाई। हम था हमारा कि जो भी फालतू में बोलता था या ऐसे आंखें भी दिखाता था ना, हाँ हम पंगे बहुत लिए भाई हमने स्कूल में। स्कूल की यादें मत याद दिला, जब भी आज भी हम 4 दोस्त इकट्ठे बैठ जाते हैं ना तो स्कूल की बातें आ ही जाती हैं, और उनको याद करके इतना हंसते हैं हम, इतना हंसते हैं बस क्या बताऊं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओनली फॉर माइनक्राफ्ट ने किया भाई, ये पता नहीं कौन है, सिटीजन नेम से तो नहीं है, और कुल भाई लेफ्ट से खाते राइट से, भाई राइट ही हूँ मैं, लिखते हो क्या, लिखते हो, ओके सॉरी भाई माय बैड, लिखते लिखा मैंने देखा खाते, तो मैं राइट ही हूँ भाई, मैं हर काम राइट से करता हूँ, मैं राइट ही हूँ तो लिखता भी राइट से ही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं लेफ्ट से भी लिख लेता हूँ, गंदा लिखता हूँ, स्पीड भी कम होती है, लेकिन लिख लेता हूँ मैं लेफ्ट से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, जब भी मुझे जरूरत होती है मैं लेफ्ट से भी लिख लेता हूँ, काफी बार लिखा भी हुआ मैंने लेफ्ट से, बस यह थोड़ी स्पीड स्लो रहती है उसमें। और कोई एम्बेरसिंग स्टोरी बताओ जिसमें तुम्हारी गंगोर खतरनाक बेइज्जती हो। ऐसा तो कुछ नहीं है यार,
सच बताए तो कौन बताता अपनी कुछ गोर बेइज्जती भाई। नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, परिणीति ता कलेक्शन 4747, इफ यू वर नॉट यूट्यूबर व्हाट यू बी? इफ आई एम नॉट द यूट्यूबर आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब समवेयर, इफ आई एम नॉट डूइंग द जॉब सो आई विल बी द ओनर ऑफ माय बिजनेस, आई वुड बी द बिजनेसमैन, सो या। अथर्व, मेरे को माइनक्राफ्ट में इंटरेस्ट है और YT पे मोड कब बना रहे? भाई ये तो फिलहाल के लिए गाइस क्लोज हो चुका है, मॉडरेटर वगैरह का जो भी है सब कुछ फिलहाल के लिए तो क्लोज है, जैसे ही इन द फ्यूचर होगा ओपन होगा किया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी मेंबर आ रहे हैं, मेंबर ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें थोड़ा एडवांस चीजें मिलेंगी, आप उसको ज्वाइन करो, मेंबर के लिए पे करो और आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओ इजिली। हिटलर FF09, कांग्रेस फॉर 1K, थैंक यू सो मच ब्रो, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, फेस रिवील कब करोगे? ऑलरेडी डन भाई, आपकी एज क्या है? 25 ब्रो। और प्रियांश ने मेरे क्वेश्चन का नीचे सब कुछ रिप्लाई भी दे दिया मेरे देने से पहले। ओपी नॉन बॉय, ओके या नॉन बॉय भाई, कांग्रेस फॉर 1K, थैंक यू सो मच ब्रो, मेरी सैलरी कब दे रहे हो? बिल्कुल भाई, जैसे मेरी सैलरी आ जाएगी मैं तुझे तेरी दे दूंगा, डन। ओके, व्लॉग चैनल कब खोल रहे? व्लॉग चैनल तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, जो चैनल है उनको तो चलवा दो, है भाई इनको तो थोड़ा ग्रो कराओ, जब 1K और नहीं 1K नहीं 100K वगैरह होंगे, 1 मिलियन होंगे, तब जाके सोचेंगे व्लॉग चैनल के बारे में भी, अभी फिलहाल के लिए तो इनको ही ग्रो करते हैं बस, घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको YT के लिए, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, बिल्कुल करते हैं, बल्कि स्टार्टिंग में वो बोल रहे थे कि जॉब करो, मैंने उनको मनाया मुझे 1 साल दो, मैं 1 साल में अगर कुछ नहीं कर पाया तो फिर मैं जो आप बोलोगे वो मैं कर लूंगा, तो ये सब था भाई, ठीक है ना। बस इतना ही पूछना था, बाकी 30 मिलियन पे जो क्यों अन्य होगा उसके लिए बचाता हूँ। ओके भाई, ओके ओके, रमना पुरोहित कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच ऑफिशियल Fake01, और कुल भाई कितनी गर्लफ्रेंड है? नेक्स्ट टू द क्वेश्चन गाइज, रनीबा गेमिंग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K, थैंक यू सो मच रनीबा, थैंक यू सो मच। प्रियांश 8.0, 24 आवर्स, की स्ट्रीम का क्या प्लान है, कब करोगे? 1 मिलियन पे करेंगे, ठीक है ना, ओके कराओ अब जल्दी 1 मिलियन कराओ। शिवम का क्वेश्चन एट लास्ट भाई, शिवम ने क्वेश्चन पूछा भाई हमसे, हाउ मैनी गर्लफ्रेंड? नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, योर ड्रीम कार? माय ड्रीम कार इज पोर्शे, बट इन इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ, इफ आई एम गोइंग टू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल XUV लाइक SUV, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ऐसे दोनों टाइम में आ जाती है, वो SUV भी है और 4x4 भी है, और जिसको गैस कर चुके जो गैस कर चुके हैं वो बताओ कमेंट में, और मैं 1 सेकंड बाद बताता हूँ, तुमने अगर गैस कर लिया तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और मैं बताने जा रहा हूँ, वो SUV भी है और वो 4x4 भी है, वो है R। Your goal in 2023 to 2024, मैं चाहता हूँ कि भाई ये 2023 एंड होने से पहले मेरे 5K करा दो, जितना जल्दी हो सके मेरे 5K तक का तो करा दो, कितने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ है, 4 मंथ के अंदर अंदर मेरे 5K करा दो, मुझे पता है तुम सब करा सकते हो, जल्दी जल्दी करा दो, और कुछ दिनों से सब नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको ठहरान के रखो और जल्दी से सब कराओ, ठीक है ना, हाँ करो जल्दी कराओ, हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, मंथली इनकम नथिंग भाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोस्ट हेटेड फूड इन योर ओपिनियन? करेला, मुझे करेला सिर्फ एक ही के हाथ का पसंद है, वो है मेरी मासी का बना, मेरी मासी का बनाया हुआ करेला मैं पूरे स्वाद से खाता हूँ, लेकिन मैं किसी और का बनाया हुआ करेला नहीं खा सकता, मुझे बिल्कुल जहर लगता है। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? MS धोनी यार, MS धोनी बड़े। 2K Q&A करोगे? नहीं भाई, 2K पे नहीं करेंगे, 5K पे करेंगे, 5K कराओ जल्दी, 2 अरे अभी 1K पे किया, 2K पे क्या करेंगे भाई, जल्दी कराओ, 5K पे करते हैं, जल्दी 5K कराओ, 5K पे हम Q&A करेंगे।
जल्दी से जल्दी कराओ, ठीक है ना? तो चलो गाइस, ये हमारे सारे क्वेश्चन थे। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, जितने भी हमारे सबने मतलब शादी के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में जो भी जितने 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 भी क्वेश्चन किए हैं उन सबको मैं ये बता देता हूँ, ठीक है ना? मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखूंगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा गाइस। मैं आपसे आज भी बता रहा हूँ, दोबारा मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, आप ना ही दोबारा मुझसे पूछे, क्योंकि जो मैं चीज अपनी पर्सनल रखना चाहता हूँ वो मेरी पर्सनल ही रहेगी। मैं उसको ऐसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ना ही मुझे ये चीजें पसंद है। हाँ, मेरा ये काम है, मेरा काम बोल लो, मेरा पैशन बोल लो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं ओपन हूँ बिल्कुल, मतलब मैं जो मैं हूँ मैं वो आपके सामने। लेकिन जो मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में जो होता है जो है अभी मतलब मम्मी और भाई, वो उनका तो मैंने बता दिया, जो ऑब्वियसली उनसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी है मतलब मान लो कल को शादी भी होगी या जो भी है नहीं है, मतलब मैं अपना कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखने वाला हूँ। तो आई होप कि समझेंगे और आई होप कि आप आगे से ऐसे क्वेश्चन पुट नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप सभी को। आई होप कि आप सभी को आपका आंसर मिल गया हो, जिसको आंसर नहीं मिला तो सॉरी गाइस तहे दिल से। बाकी अपना प्यार बनाए रखना और चैनल पे भी प्यार बनाए रखो भाई, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। हमें जल्दी से जल्दी इस ईयर के एंड तक 5K कंप्लीट करने करने हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा।